ओम शांति, ओम शांति। वो आप बताओ कि इस शरीर को कभी भी कोई भी बीमारी नहीं आना चाहिए, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? मैं सब बताओ, इस शरीर को कभी भी बीमारी नहीं आना चाहिए। निरोगी का बाबा कहता है, निरोगी काया कौन देगा, तो उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? आज बाबा देगा सेवा, कितनी सेवा करना चाहिए, कितनी सेवा करना चाहिए? एक घंटा, दो घंटा, सारा सारा दिन समर्पण हो जाता है तो संसार कौन देखेगा आपका? मन से योग लगा के, योग लगा से योग की शक्ति बनी, शरीर को निरोगी कैसे बनाएंगे? तन से, तन से कितना करना चाहिए? एक मिनट करना चाहिए, एक घंटा करना चाहिए, कितना करना चाहिए? मन से, मन ठीक हो जाएगा तो वो ठीक हो जाएगा। आपका तन की बीमारी आपकी कैसे जाएगी? आपको बीमार नहीं होना है, दूसरों का बाद में है। वो विधि बताओ, आपको सारे कलम में कभी बीमारी नहीं आनी चाहिए, उसके लिए आप क्या करेंगे? याद से विकर्म विनाश होंगे, लेकिन शरीर निरोगी कारण नहीं बनेगा। शरीर को बीमारी नहीं आना चाहिए। गेहूं का बीज बोलो तो चावल उगेगा, नहीं उगाएगा भगवान, नहीं है ना? तो ये शरीर को कभी बीमारी नहीं आना चाहिए, तो क्या करना चाहिए भाई बताओ? हाँ, कर्म कौन सा करना चाहिए, कितना करना चाहिए? भाई मन स्वस्थ रहेगा, हाँ अभी हद तक शरीर स्वस्थ रहेगा ना। मन से, मन आत्मा अलग, शरीर अलग, ये दो चीज अलग, भौतिक और आध्यात्मिक, ये दो चीज अलग है। तो मन ठीक करते, मन के अंदर अच्छे विचार करेंगे आप, मन स्वस्थ, शरीर की बीमारी ठीक हो। शरीर को कैसे, ये शरीर पंच तत्वों से बना हुआ है, इसको कैसे ठीक करेगा? तब कहा बाबा ने हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस। इस शरीर को कभी बीमारी नहीं आना चाहिए, बाबा गारंटी देता है। अपने आप में कुछ करना चाहिए, तो क्या करना चाहिए वो बताओ। तन की सेवा करें बाबा के घर में, कितना करना चाहिए? एक मिनट, दो मिनट, एक घंटा, दो घंटा, वो भी बताओ ना, कितना करना चाहिए? 8 घंटे चलेगा? फिर आपका संसार कौन देखेगा? आपका घर को भी सेवा करना पड़ेगा, 8 घंटे इधर ही बैठे रहेंगे तो घर कौन देखेगा? कितना करना चाहिए? सकाल देने को आपके पास है, सकाश है, नहीं देना तो चाहिए। कितना दे? एक दिन, दो दिन, एक घंटा, दो घंटा योगा करो तो शरीर को बीमारी नहीं होगी। हाँ, इसलिए कहा अच्छे से सुनना कि व्यवस्था है, ऐसे नहीं मन मर्जी नहीं। बाबा मुझे भी सुनाता है, बच्चे इस शरीर ये आपका नहीं है, आप कह नहीं सकते मेरा तन, कल टिकट आया तो छोड़ के चले जाना। बाबा आप बाबा को बोलो या धर्मराज को बोलो, आज नहीं कल आता हूँ, चलेगा? नहीं, छोटा बच्चा हो या बुजुर्ग हो, टिकट आया चलो, मेरा कह करके आप रुक नहीं सकते। तो ये ईश्वर ने आपको दिया ईश्वर की सेवा करने के लिए। तब कहते हैं अश्वमेध यज्ञ, इस यज्ञ में अश्व शरीर के द्वारा कुछ सेवा करो। कितना? बाबा ने कहा 1 मिनट, इस यज्ञ की 1 मिनट सेवा करो। एक जन्म के लिए इस शरीर को निरोगी काया वरदान बाबा ने देगा, ये यज्ञ देगा। बाबा विधि बताते, कोई विधि बताता है, बहन जी एक बीज चावल का खेती में डालो 50-100 दाना लगेंगे, वो आपको बोला है, विधि बताया। अगर आप नहीं बोएंगे तो मिलेगा नहीं, मिलेगा ना? तो बाबा का नाम है शिव बाबा, कुछ नहीं लेता, विधि बताता, भाग के बनाने की विधि बताता। अगर इस शरीर को कभी किसी प्रकार की बीमारी नहीं होना चाहिए, संगम पर
खेती बोने का समय जब बरसात आता है तब बीज बोते हैं। बरसात जाने के बाद बोलो चलेगा, मैं बीमार था, घर में शादी थी, किसको बताएंगे? तब देर को खेती बोया नहीं आपने, क्या खाएंगे? मांगना पड़ेगा। तब का सीजन है अभी, जब भगवान स्वयं आता है तो भाग्य बनाने की विधि बताते हैं। बच्चे एक मिनट इस यज्ञ की सेवा, कोई भी सेवा करो, कुर्सी घर निकाल के रखो, सफाई करो, बगीचे में पानी दे दो, बर्तन साफ करो, सब्जी काट के दे दो, बाबा को भूख लगता है चावल साफ करके दे दो, कोई भी एक मिनट। अभी आप बताओ कि कितने जन्मों के लिए आपको निरोगी काया चाहिए, ठीक है ना? पक्का याद रखना, 22वें जन्म में बीमारी आए तो चलेगा? आपने 21 जन्म कहा, देखो आपने कहा 21, 22वें जन्म में बीमारी आए तो चलेगा? माता जी कहते 21 जन्म चाहिए। हाँ, तो सारे कलप को चाहे 84 जन्म तक, ये भगवान बहुत चतुर सुजान है, ऐसा नहीं भोला नाथ नहीं है। बच्चे जितना बोया उतना मिलेगा, उसके पास ऊपर कुछ भी नहीं, कोई दवाई नहीं भेजेगा। आपको करना है तो पूछ लो, मैं इस तन से इस यज्ञ की कितनी सेवा करता हूं, कितना मिनट करता हूं? बाबा मैं रोज मुली सुनता हूं, रोज योग करता हूं, ये बीमारी क्यों? बच्चे तन से इस यज्ञ की सेवा नहीं किया, भगवान को पूछते हुआ, और किसी को नहीं पूछते हुआ, भगवान से कहते बाबा मुझे ये बीमारी क्यों? बच्चे आपने तन से इस यज्ञ की सेवा नहीं किया, यज्ञ ने आपको ऐसे आशीर्वाद नहीं दिया, ऐसे दुआएं नहीं कमाई, और कोई नहीं दे सकता। तो ये विधि जान लो अच्छी तरह से, सिर्फ योग रोज करते हुआ, मुरली भी सुनते हो लेकिन सेवा नहीं किया, ये तन और किसी की सेवा में लगाया तो कैसे होगा, अपने आप होगा? तो ये याद रखना, ये तन से किसकी सेवा कर रहे हो? 24 घंटे है, गृहस्थ छोड़ना नहीं, उधर भी सेवा करो। कितनी सेवा समय आप शिव बाबा के यज्ञ की सेवा में दे सकते हो, पूछो अपने आप से, कितनी सेवा कर सकते हो, कितना करते हो? कल ऐसे बोलना नहीं, समझ में आया?